जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरएसएस पे बैंड लगाओ बैंड लगाओ बैंड लगाओ। नफरत वालों पे बैंड लगाओ बैंड लगाओ। आरएसएस पे बैंड लगाओ बैंड लगाओ बैंड लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोर्ट से का यार है वो देश का गद्दार है। यार है के साथ और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि आज ही के दिन 30 जनवरी में जो आतंकवादी नाथूराम गोडसे था उसने गांधी जी को गोली मारी थी, तो उसको हमने फांसी दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, उसको फांसी दी गई और गांधी जी को तिरंगा के साथ और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। एएमयू में तिरंगे को लेकर पहले भी कंट्रोवर्सी रही है, क्या आज भी परमिशन ली गई थी? दरअसल परमिशन हमने ली थी, परमिशन के लिए हमने अप्लाई किया था और परमिशन हमें नहीं मिली है। और ये रैली नहीं है, ये हमने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है। और जो इसको मुखालफत करते हैं अब वो किस आइडियोलॉजी के हैं ये सब लोग बेहतर जानते हैं। तो अगर वो गांधी जी की श्रद्धांजलि को रोक रहे हैं तो मतलब नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पे यकीन रखने वाले हैं। आपने क्या किया? हमने नाथूराम गोडसे को जो कि एक आतंकवादी था उसको और जो उसकी जैसी आइडियोलॉजी लेके आज तक हिंदुस्तान में मौजूद है उन सबको फांसी दी गई है, उस आइडियोलॉजी को फांसी दी गई है। उसके बहुत अहम रुकन गोडसे ने देश द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का कत्लेआम किया था, उसी के ख़िलाफ़ आज हमने जो है एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया और यहाँ पर बाबे सैयद पर गोडसे को फांसी पर लटकाया, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। और उसके लटकाने का मतलब सिर्फ गोडसे को लटकाना नहीं था, जो भी इस तरह के आइडियोलॉजी के लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, मुल्क के अंदर नाराज़गी फैला रहे हैं, एक नफरत घोल रहे हैं, एक जहर घोल रहे हैं, उन तमाम लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ पर फांसी दी है उसके ज़रिए। ये लोग मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, मुल्क के लिए घातक हैं, उसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने यहाँ पर नारे प्रोटेस्ट किया था और उनको फांसी पर लटकाया है। और हमारा आरएसएस के ख़िलाफ़ यहाँ पर लोगों की डिमांड है कि जो भी इस तरह के संगठन हैं जो मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, मुल्क में नारगी फैला रहे हैं, मुल्क में जहर फैला रहे हैं, उन लोगों पर फौरन प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो उसको संज्ञान में ले। आप देखें पिछले किस 4-5 सालों से जब से इनकी आइडियोलॉजी की सरकार आई है किस तरह पर देश की माइनॉरिटी के ऊपर, दलितों के ऊपर किस तरह से जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। तो उसके ख़िलाफ़ आज हम लोगों ने एक मैसेज दिया है और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे मुल्क भर के अंदर। क्या नाम है आपका?